स्वागत है आप सभी का रामुका स्वीट्स में। मैं सत्यासा आपको मिठाई में मिलावट की जानकारी शेयर करने वाला हूँ। आज मैं कमाल की बात करने वाला हूँ। क्या आपको पता है मिठाई दुकानदार आपको मिठाई बेच रहे हैं या फिर टेस्टीज डिलीशियस के नाम पे जहर? मेरे बहुत सारे कस्टमर, आपको तो पता होगा ही, हमारे रामुका स्वीट्स में आते रहते हैं और बहुत सारे पर्सनल बातें भी होती है। इन्हीं सारे कस्टमर से मुझे आइडिया लगा कि मैं आपसे मिठाई में मिलावट की जानकारी शेयर करूं। कई सारे मिठाई दुकानदार ऐसे होते हैं जो मिठाई को सस्ता करने के लिए मिठाई बनाते समय बहुत सी सस्ती खाने वाले सामान की मिलावट करते हैं। मोतीचूर लड्डू का उदाहरण लेते हैं, आपको तो पता होगा ही, लोग उदाहरण बहुत जल्दी ही समझ में आता है। आप मोतीचूर लड्डू को दाना वाला लड्डू या फिर महिंदाना वाला लड्डू भी बोल सकते हैं। शादी ब्याह का माहौल हो या फिर आपके घर आपने नया घर बनाया हो या फिर आपने नई नई कार खरीदी हो या आपके घर बच्चे का जन्म हुआ हो, देखा जाए तो कोई भी शुभ समय हो, कोई भी शुभ समाचार हो, आपके दिमाग में लड्डू अचानक से आ ही जाती है। लड्डू बांटना खुशी इजहार करने का तरीका होता है, मगर इसी खुशी में उस दुकानदार मिलावट का रंग घोल आपकी खुशी को भंग कर देते हैं। मोतीचूर लड्डू बनाने के लिए सिर्फ चना बेसन या फिर मटर बेसन का ही उपयोग किया जाता है, मगर दुकानदार लड्डू को सस्ता करने के लिए और मुनाफा ज्यादा से ज्यादा करने के लिए बेसन में चावल का आटा, मैदा, सस्ता रंग और चीनी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाता है। पता है चीनी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने से क्या होता है? जो मिठाई है वो वजनदार हो जाता है, जिसके वजह से जब आप मिठाई को वजन करते हैं तो उसका वजन कम हो जाता है और आपके बहुत पीसेस कम आएंगे। फिर वही मिठाई आपको सस्ते दामों में बेच दिया जाता है। आपको लगता है कि ये मिठाई मुझे सस्ते दामों में मिला है और उससे ज़्यादा मिठाई आप खरीदते हैं। बहुत सारे छोटे दुकानदार आपके गली मोहल्ले में तो रहते ही होंगे, वो तो अजीबोगरीब काम करते हैं। क्या आपको जलेबी पसंद है? मुझे तो जलेबी बहुत पसंद है। क्या आपको पता है जो जलेबी आज दुकानदार बनाया हुआ है, शाम तक अगर वो जलेबी ना बिके या फिर आप बोले कि उस दिन उसके पास उतना सारा कस्टमर नहीं था जो उस जलेबी को खरीद पाए, तो उस जलेबी का क्या होता है? अगले ही दिन उसी जलेबी को गर्म पानी में डाल के जलेबी को निकाल लिया जाता है और किसी कोने में रख दिया जाता है। और जब दाना वाला लड्डू बनाया जाता है, उसी दाना में पहले से रखा हुआ जलेबी को दाना वाला लड्डू में मिक्स कर दिया जाता है। हो गया ना लड्डू सस्ता? दुकानदार को आपके सेहत से तो मतलब होता नहीं है। दुकानदार ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए ये सारे मिलावटी वाले काम करते हैं और कस्टमर थोड़ा सा रुपया बचाने के लिए सड़ा हुआ मिठाई उठाकर घर ले आते हैं। इसी से तो होता है वो सारी बीमारी जो आप सस्ते सामानों के चक्कर में घर पे ले आते हैं, जैसे कि डायरिया, फूड पॉइजनिंग, स्टमक अल्सर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, अपने परिवार वालों को बताइए। इस वीडियो को लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।